नमस्कार अध्यापक बंधु, मैं दीप्ति सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस कार्यक्रम में, जो कि गणित विषय पर आधारित है। और कार्यक्रम का शीर्षक है, कैसे पढ़ाएं गणित। हम अपने आज के इस कार्यक्रम में आपको ये बताएंगे कि हमें बच्चों को किस प्रकार गणित सिखाई जानी चाहिए कि वो सरलता से सीख जाएं। और इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्री अवध किशोर मिश्र जी। नमस्ते मिश्र जी। आज हमारे अध्यापक बंधुओं को आप ये बताइए कि हम किस प्रकार बच्चों को गणित सिखाएं कि वो सरलता से सीख जाए। मगर सबसे पहले एक प्रश्न है जो कि शुरुआती तौर पे आता है कि हमें बच्चों को गणित से पूर्व क्या क्या बताना चाहिए। शिक्षक बंधुओं, जैसे भी हम संसार में आते हैं तो प्रकृति की बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। उसमें जब कुछ चेष्टा करते हैं वस्तुओं गिनने की, और हम गिनतियों को भी जानते हैं कि चार अमरूद हैं, तीन आम हैं, इस तरीके आधा गिलास दूध है, तो इस तरीके से वस्तुओं को हम देखते हैं, लेकिन हमें समझ प्राप्त नहीं होती है। तो समझ प्राप्त करने के लिए हम जिज्ञासा, गणित के प्रति हम जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। और गणित के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए कोई भी हम काम करते हैं तो पहले हम पूर्व की तैयारी करते हैं। घर में छोटा सा भी काम करते हैं तो पूर्व की तैयारी करते हैं। तो वैसे ही गणित में भी हम जब गणित सिखाना हमें है तो हम गणित सिखाने से पूर्व कुछ तैयारी करते हैं जिससे गणित सीखना आसान हो जाए। मतलब हमें हर चीज की, जैसे हम पूर्व की तैयारी करते हैं तो गणित सीखने से पहले भी हमें कुछ तैयारियां करनी चाहिए ताकि आगे चल के हमें कठिनाई ना आए। हाँ, गणित क्योंकि हर एक बात में तैयारी करते हैं पहले, तो गणित में भी बहुत जरूरी है गणित सिखाने से पूर्व कुछ तैयारी करें। तो सबसे पहले शिक्षक बंधु हम देखते हैं कि छोटा क्या है, बड़ा क्या है, कुछ वस्तुएं देख रहे हैं कि इसमें छोटी क्या है, बड़ी क्या है, लंबा क्या होता है, छोटा क्या होता है, दूर क्या है, पास क्या है। हमारा ये मेज दूर है कि वो दीवार हमारी खड़ी है वो दूर है तो पास दूर का हम ज्ञान कराते हैं। तो इस तरीके से कुछ बातों का हम पूर्व में ही गणित सिखाने से पूर्व में बच्चे को जिज्ञासा, शिक्षक बंधु है उसमें हम जिज्ञासा गणित सीखने में उत्पन्न करते हैं। मतलब कोई भी सामान लेकर हमें बच्चों को दिखाना चाहिए, जैसे हमने दो डब्बे ले लिए, छोटा है एक बड़ा है, तो बच्चों को बताना चाहिए कि कौन सा छोटा है ताकि फर्क कर सके बच्चे। हाँ, तो हमें छोटा उसको फर्क समझ सके, दूरी का ज्ञान हो जाए, पास का ज्ञान हो जाए, लंबा क्या है, छोटा क्या है, इसका ज्ञान हो जाए, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि बच्चे को शुरुआत में उंगलियां नहीं चलती हैं, तो शिक्षक बंधुओं हम ये भी जान लें कि सिखाने से पूर्व हम कुछ क्रियाएं कराते हैं या कुछ करते हैं क्रियाएं, जैसे क्रिया करने में इस तरीके से चिन्ह बनाते हैं, इस तरीके से चिन्ह प्रारंभ में बनाते हैं, लाइन खींचते हैं इस तरीके से लाइन खींचते हैं, गोला करते हैं इस तरीके से। मतलब हम इसलिए करते हैं कि प्रारंभ में उंगलियां नहीं चलती हैं, तो प्रारंभ में हमें उंगलियां चलाने के लिए, हमें प्रतीक लिखने के लिए, अंकों को लिखने के लिए हमें उंगलियां चलानी जरूरी हो जाती हैं। तो इसलिए हमारी उंगलियां चलने लगे, इसलिए प्रारंभ में एक क्रिया करते हैं, कुछ हम इस तरीके से प्रतीक बनाते हैं या कुछ क्रियाएं कराते हैं जिससे हमें उंगलियां चलाना या अंकों को लिखना आसान हो जाता है। मतलब वही बात है कि बच्चा सीधे चल नहीं सकता तो धीरे धीरे पहले वो घुटने के बल चलता है, फिर वो चलना सीखता है। उसी प्रकार हम ये क्रियाएं कराते हैं ताकि बच्चे की उंगलियां चल सके। हाँ, जैसे कोई भी सरल से हम कठिन की ओर जाते हैं, कोई सरल काम करते हैं, जैसे बच्चे के ऊपर हमने कुछ वजन रख दिया, 1 किलो का वजन रख दिया, फिर 2 किलो का रखा, फिर 3 किलो का रखा, तो बच्चा हमारा 10 किलो वजन भी ले चला जाएगा। तो प्रारंभ में हम कुछ पूर्व में इस तरीके की बातें कराते हैं कि धीरे धीरे सरल से, जब हम सरल से कठिन की ओर जाएंगे गणित में, तो वो आसानी से वो सीखता चला जाएगा, थोड़ा उसकी आदत पड़ जाएगी। और एकदम उस पर हम बोझा लाद देंगे तो फिर वो उब जाएगा और वो रुचि नहीं आएगी। तो हमें पहले तो उसे जिज्ञासा उत्पन्न करनी है कि गणित सीखने में पहले तो वो रुचि ले, और जब वो रुचि लेगा तो फिर उसको गणित सीखने में आसान हो जाएगा। मतलब हमें गणित सिखाने से पूर्व कुछ क्रियाएं जो कि जरूरी है करानी, वो बच्चों को सिखानी चाहिए। हाँ, वो जरूरी है। अच्छा मिश्र जी, एक सवाल इसके बाद जो आता है कि अंकों का ज्ञान हम बच्चों को कैसे कराएं। तो वस्तुएं तो बच्चा जानता है, तो प्रारंभ में जब हमें अंकों का ज्ञान कराना था, तो सबसे पहले उसके जो नेचर में वस्तुएं हैं, जो जब भी वो टीचर को देखता है नेचर में क्या वस्तुएं हैं, जैसे उसके सामने पेड़ आ रहे हैं, पौधे आ रहे हैं, गोलियां हैं, पत्ती है, फूल है, तो पहले तो इसकी पहचान
हम करते हैं कि ये फूल है या पत्ती है, मेज है, अधिक से अधिक वस्तुओं को हम पहचानते हैं। तो जब हम पहचान लेते हैं कि अधिक से अधिक वस्तुएं उसकी पहचान में आ गई हैं, तो उनको पहचान कर हम फिर गिनने का काम शुरू करते हैं कि वस्तुओं को पहचान कर गिनना। मैंने सबसे पहला काम है कि हम वस्तुओं को पहचानना। हाँ। अंक सिखाने के लिए सबसे पहले हम करते हैं कि अंकों का पहचानना। अंकों का पहचानने के पहले तो हम अंकों का पहचानना बाद में बताएंगे। अंकों का पहचानना ये हम बाद में लेते हैं, इससे पहले भी हम कहते हैं कि वस्तुओं का पहचानना। हाँ। तो सबसे पहले, इससे भी पहले हम वस्तुओं का पहचानना, सबसे पहले वस्तुएं पहचानवाते हैं, वस्तुओं का पहचानना। तो पहले तो वस्तुएं पहचानेगा। तो जब उसने वस्तु पहचान ली कि हाँ। पेड़ है, हमने उसको हमने देखा है फूल है, हाँ। प्रकृति में नेचर में फूल है, हाँ। या पत्ती है, कि उसने पहचानी ये फूल है या पत्ती है, फिर इसको गिना कि कितने फूल हैं, कि पत्ती है। कि प्रारंभ में तो हमें समझ नहीं होती है, हम जानते तो हैं कि ये पांच है या छह है या सात है, गिन लिया कि ये सात वस्तुएं हैं, सात आम है, आठ पेड़ है, लेकिन हमें समझ उसकी प्रत्येक की समझ नहीं होती है क्या है। तो हमें समझ उत्पन्न करने के लिए पहले वस्तुओं को पहचानते हैं, फिर पहचान कर गिनते हैं। हमने बताया, हमने उसको दिखाई, हमने वस्तु दिखाई, हमने फूल दिखाए, फिर हमने कहा अच्छा गिनो, तो इसके बाद में हम गिनवाएंगे, शिक्षक बंधु उनको गिनवाएंगे कि इतनी कितनी है, उसको गिना एक एक करके, उसने गिना कि ये हैं। जैसे हमने मान लीजिए पांच फूल दिखाए, तो उसने कहा पांच फूल हैं, उसने गिन के बताया पांच फूल हैं। तो सबसे पहले वस्तुओं उसने पहचानी और फिर पहचान कर उसको उन्होंने गिना। और जब वो बच्चा गिनना जान लेता है, तो गिनने के बाद में फिर वो अंक पहचानता है। हमने कहा कि हमने उसको दिखाई ये क्या है, हमने उससे क्या है, तो कहा कि उंगली है। मैंने देखते हैं, हम सब जानते हैं कि हमने देखा कि हमने उंगली खड़ी की, तो कहते हैं ये उंगली है। उंगली गिनी, पहले वस्तु उसने पहचाना कि उंगली है, फिर उंगली देकर उसने गिना कि ये कितनी उंगली है, एक है या दो है, कितने, उसने कहा एक उंगली है। तब उसने एक जब गिन लिया, तो इसके बाद में कहते हैं अंक का पहचानना, ये दूसरे नंबर पर आता है, ये वस्तुओं को पहचानना। नंबर दो है गिनना, फिर उसने गिना, और गिनने के बाद अंक पहचानना, फिर उसने अंक पहचाना, अंक पहचानना। अंक पहचानवाते हैं, कोई वस्तु हमने गिनी और गिनने के बाद फिर हम उसको अंक पहचानते हैं। जैसे हमने उसको एक वस्तु दिखाई और एक वस्तु गिनी और कहा जो एक वस्तु है उसको एक हम पहचानवाया, जो इसको एक इस तरीके के प्रतीक रूप में हम एक लिखते हैं। यदि हमने दो वस्तुएं गिनी, तो हम दो वस्तुओं को, दो जो दो वस्तुएं हैं उनका अंक पहचानवाएंगे कि दो जो वस्तुएं हमने गिनी हैं उसका अंक जो है वो दो इस तरीके से होता है। इस तरीके से हम और भी वस्तुएं गिनती हैं, चार वस्तुएं हैं और हमने चार वस्तुएं गिनी और कहा ये जो चार वस्तुएं गिनी है, जो चार होता है उसको हम प्रतीक स्वरूप में इस तरीके से चार लिखते हैं। हाँ। तो इस तरीके से लिखने के बाद जब हम उसको अंक पहचानवा लेते हैं, सबसे पहले हम वस्तु पहचानी, वस्तु पहचान कर बच्चे वस्तु पहचान कर गिना, और गिनने के बाद हमने अंक पहचानवाया। फिर हम क्या करते हैं कि वस्तुएं गिनकर अंक पहचान कर हम मिलान करवाते हैं। यदि चार वस्तुएं हमने दिखाई कि इनको गिना, चार वस्तुएं गिनी कि चार वस्तुएं हैं और चार वस्तुओं का हमने अंक दिखाया कि ये चार है, और दूसरी वस्तुएं दिखाई, हमने तीन वस्तुएं दिखाई, हमने कहा इसका तीन है, हमने अल्टरनेट बिना उसको क्रम में रखे हुए हमने लिख दिया और फिर हमने दोनों से मिलान करवाया कि इस तरीके से मिलान करिए कि तीन वस्तुएं गिनिए और तीन अंक से मिलान कर दीजिए। मतलब चार एक तरफ हमने वस्तुओं को रख दिया कि कहीं तीन वस्तु रखी, कहीं पांच रखी हैं, और दूसरी तरफ हमने अंक लिख दिए। अब बच्चा पहचानेगा कि शुरू में अगर तीन वस्तुएं रखी हैं और थोड़ा आगे चलकर चौथे या पांचवें नंबर पे तीन लिखा है, तो बच्चा पहचानेगा और उनको मिलान करेगा, बताएगा कि ये चार है, चार वस्तुएं हैं और इसका ये चार अंक, दोनों पहचान करके बताएगा कि ये चार अंक हैं। तो इस तरीके से हम गिनती हम बच्चे को सिखाते हैं, और इनके बाद में तब हम लास्ट में जब सब बच्चा इतना जान जाता है, तब हम क्या करते हैं उसको हम लिखवाते हैं, लिखाने की प्रक्रिया कराते हैं। मतलब इसके बाद लिखने की प्रक्रिया आती है। हाँ, अंत में लिखने की प्रक्रिया आती है, और लिखने की प्रक्रिया जो हमने पूर्व की तैयारी कराई है कि उसको हमने उंगली चलानी सिखाई थी, उसको हमने कुछ प्रतीक बनवाए थे, तो प्रतीक बनवाने से ही उसी के माध्यम से बच्चे को हम फिर उनको अंकों को लिखवाते हैं कि एक वस्तु अब इसको अब लिखिए एक,
तब वो लिखता है एक, तो इस तरीके से हम शिक्षक जो है एक लिखवाता लिखवाएगा कि एक इस तरीके से लिखो, दो इस तरीके से लिखो, दो वस्तुएं गिनकर पहचान कर दो लिखिए, मिलान करने के बाद लिखिए, इस तरीके से हम उसको लिखवाते हैं। मतलब आखिरी में उसको लिखने का नंबर आता है। हाँ, लिखाने का आखिरी में नंबर, आखिरी में जब वस्तुएं पहचान ले, गिन ले, अंक पहचान ले, मिलान करना सीख ले, और अंत में जब मिलान करना सीख जाता है तब हम उससे कहेंगे अब अंक लिखो, तो तब हम अंक लिखना बताते हैं कि इस तरीके से हम अंक लिखते हैं। मतलब सुनने में कितना सरल लगता है कि हम अंक लिखेंगे, मगर ये नहीं आम लोगों को पता होता है कि सीधे सीधे अंक नहीं लिखते हैं। उससे पहले कितनी प्रक्रियाओं से एक बच्चे को गुजरना पड़ता है। सीधे सीधे नहीं लिखाएंगे, सीधे सीधे हमें नहीं, सीधे सीधे अंक नहीं लिखाना है कि जैसे ही बच्चा आया उसको लिखाने लगे, ऐसा नहीं होगा, उससे उसको कठिनाई लगेगी, उसको कठिनाई लगेगी। अच्छा, और जब इसको हम सीख लिया, माने अंक लिखना भी सीख लिया, तो फिर अंक जो भी उसने सीखा है, तो प्रत्येक अंक की उसने चार सीखा है, पांच सीखा है, तो फिर उसकी हम विशेषताएं बताते हैं। जैसे हमने उसको छह अंक की, छह है उसने पहचाने, छह है, छह क्या होता है उसको उसने जान लिया है, छह है उसको समझ नहीं है, तो इसको समझाने के लिए छह को कैसे समझाएंगे, तो उसकी अधिक से अधिक हम विशेषताएं बताएंगे। हम बताएंगे उसको कि ये पांच से आगे का अंक है, और इसको छह बताना है तो सात के पहले का है, और ये पांच और सात के बीच में आता है। इस तरीके अन्य जो छह है, दो और चार मिलकर भी छह होता है, चार और दो मिलकर भी छह होता है, इस तरीके से। और जितनी विशेषताएं अधिक से अधिक हम निकलवाते जाएंगे, उतने ही वो उस बारे में अधिक सीख सकता है। फिर एक और पांच छह होता है, पांच और एक छह होता है, तीन और तीन छह होता है, मतलब तो इस तरीके से अभ्यास अधिक से अधिक, कैसे छह जो है कितनी विशेषताएं अधिक से अधिक उसको, तब उसको अधिक से अधिक उसकी समझ उत्पन्न हो जाएगी उस अंक की। तो इसी तरीके से कम से अभ्यास, जितना अधिक अभ्यास करेंगे, फिर दो को भी ऐसे ही सिखाएंगे, तीन को भी इसी तरीके से विशेषताएं बताएंगे, तो किसी के बारे में जितनी अधिक से अधिक हम क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते चले जाते हैं, तो उतनी ज्यादा वो उसके बारे में सीख जाता है। चलिए मिश्र जी, धन्यवाद आपका कि आपने इतनी सारी चीजें, इतनी अच्छी अच्छी चीजें गणित के बारे में बताई हमारे अध्यापक बंधुओं को। आज आपने गणित विषय के बारे में जाना। अध्यापक बंधुओं, आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये जानकर कि बच्चों को हमें गणित के अंक सिखाने से पहले क्या क्या चीजें हम उन्हें बताएं कि बच्चे गणित को और अंकों को अच्छी तरीके से सरलतापूर्वक जान सकें। हम अपनी अगली मुलाकात में किसी ऐसे ही रोचक बिंदु के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।